अब आप बताओ भैया, आप क्या करते हो? बाहर से हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी से। यूपी से है? दिल्ली में रहते नहीं है? दिल्ली नहीं रहता। आप रहते हैं दिल्ली में? चलिए तो कुछ और लोगों से बात करता हूँ। ग्रीन पार्क गुरुद्वारे के पास मैं आ गया हूँ। ग्रीन पार्क मेन मार्केट भी है, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन भी है, यूसुफ सराय मार्केट भी है। बड़ा इलाका दिल्ली का। वो खुशवंत सिंह प्रख्यात लेखक एक बात कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ आप रहने का पता बताएंगे तो लोग आपके हैसियत का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो हौज खास, ग्रीन पार्क और ये इलाका ऐसा ही है कि अगर आपने अपना पता हौज खास और ग्रीन पार्क लगाया, जैसे ही आपने एड्रेस बताया वैसे ही आदमी समझ जाएगा कि आप पास कितना, उसका वैल्यूएशन पता चल जाता है, है कि नहीं? जगह के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से उसका वैल्यूएशन पता चल जाता है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। और ये खुशवंत सिंह ने दिल्ली के ऊपर जितनी किताबें उन्होंने लिखी और जितनी बातें लिखी हैं उसका उनका कोई जोड़ नहीं है। मैं बता सकता हूँ, चुटकुले भी बहुत लिखे हैं। चुटकुले भी बहुत। एक बात बताइए सरदार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी एरिया में। एक जैसे हमारे जो दर्शक हैं, माहौल क्या है कि वो गांव देहात कस्बों के ज़्यादा है। एक आइडिया के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये ग्रीन पार्क जो पीछे है, यहाँ 1200 स्क्वायर फीट का अगर एक फ्लोर का फ्लैट लेना हो तो उसकी कीमत आज की तारीख में कितनी होगी? ग्रीन पार्क में तो 12 स्क्वायर फुट का फ्लैट मिलेगा ही नहीं आपको। मिनिमम यहाँ पे 1800 मान लो 1800 होगा, 4 से 4.5 करोड़ रुपये एक फ्लोर सिर्फ, कम से कम, वो भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन। 200 का जो है 250 6 करोड़ का है, पुरानी 4.5 करोड़ का, नया 6 करोड़, क्योंकि नई में पार्किंग लिफ्ट वगैरह सब कुछ होगा, ज़्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस होगी, और पुराने में लिफ्ट पार्किंग स्पेस नहीं है, लिफ्ट नहीं है। और यहाँ दुकान अगर 12x10 की हो तो 12x10 ही कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का, वो भी लोकेशन के ऊपर। ग्रीन पार्क मार्केट में जाएंगे वही 3 से 4 करोड़। अभी हमारे यहाँ बगल में एक रेस्टोरेंट खुलने वाला, साउथ इंडियन, नाम नहीं पता उसका, यहाँ से 150-200 मीटर दूर है। उसका किराया मैंने सुना है 35-40 लाख रुपये एक महीने का। हाँ, एक महीने का 35 लाख सिर्फ किराया है उसका। अब बताओ भैया, अब देखो आउटपुट क्या होगा। अब जाएं दो, ज़्यादा बात करने पर मौसम खराब हो सकता है। 35 लाख अरे कुछ बात भी चलती है सरदार जी। तो एक बात बताओ, कंफर्म नहीं होगा। एक बात बताइए, वोट लग गया है अभी, पर्दा नहीं उठाया उसके ऊपर। चलो उतना लंबा सुनने में और बात करना बेकार है। आप हमको ये बताइए कि ग्रीन पार्क इलाके से विधायक सोमनाथ भारती जो 3 बार से जीत रहे हैं, चौथी बार उनकी क्या उम्मीद है? देखो उम्मीद तो पता नहीं, बट उन्होंने काम तो खैर किया है, हमारे गुरुद्वारे का भी काफ़ी काम किया है, मगर ईश्वरी कुछ नहीं कर सकते। जो एक नारा चला था ना, यूपी से निकला मुंबई गया, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे, उसका असर दिल्ली में दिखेगा इस भाई लग रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल पलटी मारा है, यह आपने भी देखा है, कांग्रेस को क्या उम्मीद थी और क्या रिजल्ट निकला है, उसका यह असर दिल्ली में भी पड़ेगा। और ये जो फ्री की राजनीति का मामला चल रहा, वो फ्री तो आजकल हर जगह हो गया, कौन से स्टेट में फ्री नहीं है? अभी दोनों इलेक्शन में महाराष्ट्र में फ्री हुआ है, झारखंड में फ्री मिला सबको, दिल्ली में भी इन्होंने अब पेंशन बढ़ाई है, पर वो कुछ पार्ट है ना, 60 से ऊपर वोटर ही कितने हैं। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल लड़ाई में रहेंगे, बाहर हो जाएंगे, सीटें कम होगी या सरकार जा सकती है, क्या ऐसा? नहीं, सीटें कम होगी, सरकार तो केजरीवाल की आएगी जो लग रहा है, क्योंकि हम भी पूरे दिन मेन मार्केट में हैं, लोग आते जाते हैं, दिन में कम से कम 20 से 25। अच्छा, का और बताइए ईमानदारी, जैसे सिख लोगों को मैं देखता हूँ, ज़्यादातर लोग पिछली बार भी देखे, और सिख डोमिनेटेड जो पूरा इलाका दिल्ली का है, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे तिलक नगर हो, चाहे उत्तर, मतलब वो पूरा इलाका जहाँ सिखों का डोमिनेशन है, पंजाब के लोगों का या उस,
वो पूरा तीनों के तीनों बार आम आदमी पार्टी को ज्यादातर समर्थन मिला था, ज्यादा सीटों पे, एक सिरसा जी को छोड़ दीजिए एक आध बार को, तो वो इसी तरह उनको पंजाब में समर्थन मिला और इतना बहुमत मिला। वो जो समर्थन था उसमें अब कमी आई है या उतना ही है या क्या उसमें? नहीं, कमी तो आई है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट है, बीजेपी को भी पूरा सपोर्ट है। जो काम अच्छा करता है हम तो वोट उसको डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस है या बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, जहाँ काम होगा वहीं हमारा वोट होगा। केजरीवाल के 10 साल की सरकार का काम आपको ठीक लगता है? ठीक है, एवरेज है, गुड तो नहीं कह सकते मगर एवरेज कह सकते हैं। अंकल आपका क्या विचार है? बीजेपी आएगी पक्का? बीजेपी ने तो इनका कर दिया कांड, आपका कांड। आपका कांड हो गया? आप पार्टी का कैसे? अब आपके सामने ही है, क्या देख लो कर रहे हैं। बीजेपी ही लेके जाएगी और कोई पार्टी नहीं जाती। किस वजह से लग रहा है भाई? इनकी हवा चल रही है, अब क्या बताएं आपको, पूरा खुल के बताइए। इनके वैसे सारे बदनाम कर दिए, पूरे तो बदनाम है इस टाइम, ये पूरे तो बदनाम है आप वाले इस टाइम। अच्छे मंत्री पार्टी सारे बेचारे अपना करप्शन में सारे तो अंदर है, किसी में कोई धारा लगी, किसी में कोई धारा लगी हुई है, सब तो बाहर आ गया अभी। केस तो सब पर है ना सब। तो बीजेपी ही आएगी और आनी भी चाहिए बीजेपी, जिसका सेंटर में राज है वो आए तो कुछ काम तो करेगी ना। दिल्ली में काम ज्यादा होगा भैया, फिर काम होएगा। अब कोई भी काम आप करना चाहती बीजेपी करने नहीं देती, तो इसलिए हम तो कहते बीजेपी आ जाए, काम तो होगा कम से कम। केजरीवाल के काम से खुश है आप? केजरीवाल से काम से खुश का काम हो ही नहीं रहा काम, केजरीवाल क्या करेगा इकल्ला। अब जरा दूसरी तरफ चलता हूँ।